पूरी शरारतें क्यों आते हो? क्योंकि रात की स्याही गुनाहों को छुपा लिया करती है। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया लोला? तुम भूल गई? मैं तुम पे एक आर्टिकल लिख रहा हूं। अब जब तुम्हारी कहानी हो और गुनाहों का जिक्र ना आए, ये कैसे हो सकता है? ये बत्ती की बुझाई तुमने? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी खातिर अपनी गुनाहों की कहानी सुनते वक्त तुम्हें शर्म से पानी पानी होते हुए मैं नहीं देख सकता लोला। एक बात याद रख रहा हूं, अगर तुमने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज छुपाया तो मैं तुम पे मानहानि का केस कर दूंगी। तुमने सुना मैं क्या कह रही हूं? ये कुछ लेटर्स हैं, लव लेटर्स, जो एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को लिखे थे। मैंने कभी किसी को कोई लव लेटर्स नहीं लिखे। हाँ, इतनी खुशनसीबी हमारे हिस्से में कहाँ, वो तो कौशल था। वैसे कौशल बहुत लकी था। कहीं तुम कौशल को भूल तो नहीं गई ना लोला? राहुल, तुम बहुत बेवकूफ हो। शादी से पहले किसी लड़की का किसी लड़के को लव लेटर्स लिखना ना तो सरप्राइजिंग है ना इंटरेस्टिंग। उसे छपा के यू मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ ऑल ओवर अगेन। लेकिन इन खतों में से एक खत वो भी है जिसका राज छुपाने के लिए तुम डॉक्टर मिसेस शर्मा के मैटरनिटी होम में गई। तो डॉक्टर तुम्हारा ठहरा हूँ? मैं भी यही सोचता था। झूठ बोल रहे हो, तुम जानते हो तुम झूठ बोल रहे हो। ये खत साबित कर देंगे कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत जब अखबार में छप जाएगा तब पढ़ लेना। बाय बाय मिस लोला सोनी। राहुल नहीं, राहुल मेरी बात सुनो। राहुल तुम जानते ही झूठे। राहुल तुम ऐसा नहीं कर सकते। राहुल मेरी बात सुनो। पापा, पापा इधर आइए प्लीज। क्या हुआ? आप जल्दी इधर नीचे आइए। राहुल, राहुल यहाँ था अभी। राहुल अभी मेरे पास ही खड़ा था। आप देखिए ना, भाजा के देखिए प्लीज प्लीज, कहाँ है वो? दरवाजे पे लॉक लगा हुआ था। नहीं, वो अभी यहाँ खड़ा था मेरे पास, मुझसे बात करके गया है। आप प्लीज भाजा के देखिए, आप देखिए दरवान कहाँ है। देखा बिटिया, सब है, दरवान भी बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से बिटिया ज्यादा काम की वजह से तेरे दिमाग में टेंशन। मेरी बात मान, कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आ, जा आशु से मिला। रिलैक्स, सो जा। यस मिस्टर पार्थी, दैट्स वंडरफुल न्यूज। मुझे तो यकीन नहीं आता कि कंपनी लॉ कमीशन इतनी जल्दी हमें परमिशन दे दी। जी हाँ, डिबेंचर्स को शेयर्स में बदलने से हमारी कंपनी को काफी बूस्ट मिलेगा। लोला इंटरनेशनल को दुनिया भर में मशहूर बनाने का मेरा सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा मिस्टर पार्थी। थैंक यू। यस, बाय बाय। दीदी, मैं जानती थी एक दिन तुम वापस जरूर आओगी। अपना सपना पूरा करने के लिए तुम कितनी जिंदगियों के साथ खेलोगी दीदी? That's a very interesting question। ताज्जुब है तुम्हें इसका जवाब नहीं मालूम। क्या जिंदगी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? तो ठीक है, तुम ही सिखा दो। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसके दिल फरेब नजारों का पूरा मजा लूटने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो ताकतवर हैं, और ताकत उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो दूसरों की जिंदगियों से खेलने का फन जानते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन है।
एक्सप्लॉयटेशन ताकत के खेल का पहला उसूल है। तुम्हारी आत्मा मर चुकी है दीदी। मैं तो जिंदा हूं ना, कामयाब हूं, ताकतवर हूं। तुम क्या जानो कामयाबी क्या होती है? जब उसका नशा चढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया, जमीन आसमान मुट्ठी में है। हाँ, लेकिन एक दिन जब ये नशा उतरेगा, तब तुम्हारी मुट्ठी लोगों के सामने फैली हुई होगी। अपने सांस को जिंदा रखने के लिए तुम दूसरों के सामने भीख मांगती फिरोगी। मेरे ही घर में खड़े होकर तुम मुझे कोस रही हो? मैं तुम्हें नहीं कोस रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे आने वाले दिनों की तस्वीर दिखा रही हूँ। दौलत और ताकत की हवस ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम एक ऐसे अंधे की तरह जी रही हो जिसे खुद अपना आप नहीं नजर आ रहा। तुम उन तूफान को नहीं सुन पा रही हो, नहीं देख पा रही हो जो खामोशी से तुम्हारा पीछा कर रहा है। उन सिसकियों को नहीं सुन रही हो जो एक दिन अजाब बनकर तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं नताशा के पास में बात कर रही हूँ। तुमने उसके सुखी जीवन में आग लगा दी, उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। तुम तो उसे अपना दोस्त कहती थी ना, तो फिर अपनी लालच की सलीम पर उसकी बलि चढ़ाते हुए तुम्हारे माथे पर बल तक नहीं आया? उसने मेरे सुहाग को लूटा था। प्लीज दीदी, सुहाग के माले अगर तुम जानती तो राहुल जी को दर बदर की ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ती। तुमने तो उनके पूरे परिवार को नोच नोच कर उजाड़ दिया, और कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करोगी? एक बात मैं कहकर जाऊंगी, तुम्हारा ये महल, ये अंपायर इंसानी ढांचों पर खड़ा है, जिसके नीचे न जाने कितनी लाशें दबी हुई हैं, जो चीख रही हैं, पुकार रही हैं, जिन्हें तुम नहीं सुन रही हो। लेकिन एक दिन ये आवाजें तुम्हारा पीछा करेंगी और तुम भागोगी, भागती रहोगी, अपनी आखिरी सांस तक भागोगी। और किसी दिन जब तुम बेदम होकर गिर पड़ोगी, तब तुम्हें उठाने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ेगा। Get out! Get out!
हेलो डार्लिंग, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया। हाँ, क्या तुम मुझे मारने आए हो? क्यों, मारने का हक सिर्फ तुम्हें है? झूठ बोलने का हक सिर्फ तुम्हें है? धोखा देने का हक सिर्फ तुम्हें? मैंने किसी की जान नहीं ली राहुल, मैंने किसी की जान नहीं ली। तुम क्यों मेरा जीना मुश्किल कर रहे हो? मैं तुम्हारा जीना ही नहीं, मैं तुम्हारा मरना भी मुश्किल कर रहा हूं। मगर ऐसे नहीं, बहुत धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। पहले मैं तुम पर जो आर्टिकल लिख रहा हूं वो तो कंप्लीट कर लूं, उसके बाद। और हाँ, कल मैं डॉक्टर मेहता के यहां गया था, उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दी है जिससे ये साबित होता है। क्या क्या साबित होता है? क्या छोड़ो, नहीं तो तुम अखबार में भी पढ़ लो। देखो राहुल, मैं डॉक्टर मेहता पे केस कर दूंगी। केस उन पे किया जाता है जो जिंदा होते हैं। डॉक्टर मेहता एक महीना पहले यह सर्टिफिकेट झूठा है। तुम एक झूठ का सहारा लेके मुझे बदनाम करना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों, नताशा के बारे में झूठ लिखते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई थी? उसकी जिंदगी को खराब करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई थी? जीते जी उसे मौत के मुंह में ढकेलते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई थी? तुम पर एक जान का कर्ज है डालेंगे, जो जान देने से ही उतरेगा। इसी जन्म में जान दे दो तो मुक्त हो जाओगी, वरना बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बोलो क्या कहती हो? हाँ हाँ हाँ, क्या कहती हो? राहुल, अब मैं इस चाकू से तुम्हारी मखमली चमड़ी को जरा सा खरोंच दूं तो तुम्हें दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं, लोला को दर्द कैसे होगा? लोला को तो कभी दर्द होता ही नहीं, है ना? हिलना नहीं। ये चाकू तुम्हारी उस रख पर है जो सीधी तुम्हारे दिल पर जाती है। हाँ, अगर जरा सी भी खरोंच आई तो तुम्हारे जिस्म का सारा खून बाहर। क्यों बोले? कमॉन, नहीं? ओके, आज नहीं, फिर कभी। आज मुहूर्त भी अच्छा नहीं है। अगर राहुल भैया ने नताशा से शादी कर ली तो इसमें कौन सी आफत आ गई? वो उनकी पर्सनल लाइफ है भैया। प्रिया, तुम भूल रही हो कि बाबा ने राहुल को अपनी पर्सनल लाइफ अपनी मर्जी से जीने की छूट पहले भी दी थी और उसका अंजाम सारे के सारे खानदान को भुगतना पड़ा था। आशु भी भुगत रहा है और भुगतता रहेगा। मैं मानती हूँ, लेकिन राहुल भैया ने अपनी गलती से कुछ तो सीखा होगा ना? सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात तो उसने ये सीखी है कि चोरों की तरह चुपके से शादी कर लो। अरे, बाबा से नाराजगी थी तो बात समझ में आती थी, लेकिन मुझे तो बता सकता था, तुम्हें तो बता सकता था, आंटी को तो बता सकता था, जैक को बता सकता था, किसी को तो बता सकता था। आशु का हाल पूछने के लिए तुम्हें खत लिख सकता है, लेकिन खत में यह नहीं लिख सकता कि वो शादी करने जा रहा है या फिर उसने शादी कर ली है। मेरे ख्याल से भैया जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर कर रहे हैं। अगर राहुल ने ये सोच कर किया है तो आई एम सॉरी टू से कि उसकी सोच की सीमा बहुत ही छोटी है भैया, और जिंदगी उस सीमा से आगे, बहुत आगे तक फैली हुई है। मैं बताता हूं,
मैं बताता हूं कि राहुल ने शादी क्यों की। क्योंकि राहुल जिंदगी में अकेला था, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी के साथ की जरूरत थी, अपना ढाबा चलाने के लिए, रोटियां सिखवाने के लिए। अरे अगर रोटियां सिखवाने के लिए किसी की जरूरत थी तो 1000-2000 का नौकर भी रख सकता था, शादी करने की क्या जरूरत थी। बदनामी और रुसवाई की उस स्याही को नताशा के साथ सारे के सारे खानदान में ले आया। लेकिन नताशा के पास्ट को उसके प्रेजेंट से क्या लेना देना, उसका पास्ट तो गुजर चुका है ना मामा। पास्ट कभी गुजरता नहीं, वो इंसान के साथ सारी जिंदगी उसके पीछे साए की तरह लगा रहता है। हमें कैसे पता उसका पास्ट था भी या नहीं, हमें कैसे पता नताशा एक बुरी लड़की है। लोला पर तो भरोसा नहीं कर सकते ना, शायद ये सारी कहानी लोला की मनगढ़ंत, तो हमें कैसे पता। धुआं वहीं उठता है प्रिया जहां आग होती है। इस मनगढ़ंत कहानी में कोई तो सच्चाई होगी, और सच्चाई ना भी हो लेकिन दुनिया तो समझती है कहानी सच्ची है। और किसकी तरफदारी कर रही हो तुम, किसकी तरफदारी कर रही हो। राहुल को लाख समझाने की मैंने कोशिश की, और पता है जब मैं उसको समझा रहा था तो उसने मुझे क्या जवाब दिया। उसने बोला कि पापा और आप सब लोग मर गए मेरे लिए। How dare he say that? He shouldn't have said that. और आंटी, ये जब सारी की सारी बकवास राहुल कर रहा था तो वो लड़की, वो नताशा चुपचाप खड़ी सारी बातें सुनती रही। उसने एक बार राहुल को समझाने की कोशिश नहीं की कि क्या नाप शराब पक रहा है, क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जाए। प्रिया ने बाकी ऐसा कहा? हाँ प्रिया, हमें ना राहुल से बात करनी है, ना उसके साथ कोई लेना देना रखना है। That's it. प्रिया? No, no, mama. We don't owe him anything. हमें उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ना नताशा को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। We don't have to go to them. तुम जाओ ना जाओ, मैं और करण राहुल को मिलने जाएंगे और उसे वापस ले आएंगे। चिंदी रे पुत्र, बस कर, थक जाएगी। हैं करण, हम राहुल से मिलने कब चलेंगे? उससे कौन मिलना चाहता है? चुप रहो प्रिया। प्रिया, उससे कौन मिलना चाहता है? मैं मिलना चाहती हूँ। इतनी मुश्किल से उसका पता मिला है, हम सब मिलने चलेंगे उसे। मैं नहीं जाऊंगा मैम साहब। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? तुम पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, अब जब पता मिला है तो उसे मिलना नहीं चाहते? आप मेरे ना जाने की वजह जानना चाहती हैं मुझसे? जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया नई शुरुआत का। क्या वो अपने तजुर्बों से ये नहीं सीख पाया था कि शादी जैसे मामले में जज्बात का नहीं बल्कि अकल और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए? इतने बिटर एक्सपीरियंस के बाद भी क्या वो ये नहीं सीख पाया था कि शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच में नहीं होती बल्कि दो परिवारों का मिलन है? तुम सबको राहुल और नताशा की शादी से सख्त एतराज है, लेकिन किसी ने पल भर के लिए ये सोचा है कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो खुद है, और कौन है? नहीं, जिम्मेदार तुम हो। वो पछतावे के आंसू लिए तुम्हारे पास। इसका मतलब ये तो नहीं मेम साहब कि अपनी जिंदगी को जहन्नुम में झोंक दे? एक हारा हुआ इंसान यही करता है। राहुल वाज अशेम्ड ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, और तुमने उसे ठुकराकर इस एहसास को इतना बढ़ा दिया कि वो अपने ही नजरों में गिर गया। और जब कोई अपने नजरों में गिर जाता है तो उसे किसी की परवाह नहीं होती, न समाज के नियमों की और न ही परिवार के संस्कारों की। मैं इस बात से सहमत नहीं। तुम्हारे अग्री न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल को प्यार की जरूरत थी, सिक्योरिटी और रीअश्योरेंस की तलाश थी जो तुमसे मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली। इस मायूसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसका गिल्ट इतना बढ़ गया कि उसने नताशा के प्यार में पनाह ढूंढ ली। देर नहीं हुई है करण, उसे बर्बादी से बचा लो। आखिर वो हमारा अपना है।